का पावन पर्व चल रहा है, अर्थात पर्व ही है एक। श्राद्ध को मैं हमेशा पर्व के रूप में बोलती हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पितृ जो आते हैं वो हमें आशीर्वाद देके जाते हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्गों का, हमारे पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए श्राद्ध को मैं हमेशा एक पर्व के रूप में ही सेलिब्रेट करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बहुत शॉर्ट में, कि एकादशी के दिन कभी भी श्राद्ध नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पितरों की श्राद्ध एकादशी के दिन पड़ रही है तो विशेष ध्यान दीजिए कि एकादशी के दिन श्राद्ध करने पर जो लोग श्राद्ध कर रहे हैं, जो लोग श्राद्ध खा रहे हैं और जिनके निमित्त श्राद्ध हो रही है, अर्थात वो पितर जिनके निमित्त श्राद्ध हो रही है, वो तीनों के तीनों नर्गामी होते हैं। तो विशेष ध्यान दीजिए कि एकादशी के दिन कभी भी श्राद्ध नहीं करनी चाहिए। हाँ, एकादशी के दिन छोड़ के द्वादशी को आप कर सकते हैं, जिसकी श्राद्ध एकादशी पे पड़ती है वो द्वादशी पे श्राद्ध कर सकता है, या फिर सर्व पितृ अमावस्या जिसे कहते हैं आप उस दिन श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन कोशिश कीजिए कि श्राद्ध ना कीजिए। अगर बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है तो हमारे महापुरुष बड़े बड़े संतों से जब मैंने पूछा कि भैया बहुत ज्यादा कंपलसरी है, हम करना चाहते हैं तो क्या करें, तो उन्होंने कहा है कि उस दिन आप पानी से श्राद्ध दीजिए, मतलब पानी, सूर्य भगवान को पानी दीजिए, गैया को, ब्राह्मणों को फलाहार कराना है और फल से ही श्राद्ध करनी है, ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा देनी है और फल देना है, ब्राह्मणों को मतलब जिनको भी आप श्राद्ध जमा रहे हैं उनको भरपेट फल खिलाइए, और कुछ ब्राह्मण एकादशी करता हो या ना करता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एकादशी के दिन आप किसी को अन्य ना दे। एकादशी के दिन कोई आपसे मांगने भी आता है भोजन, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि एकादशी के दिन आपको अन्य दान नहीं करना है। आप एकादशी के दिन चावल किंच के रख लीजिए और उसको द्वादशी पे दान दीजिए। आप एकादशी के दिन अगर किसी को भोजन करा रहे हैं तो वो फलाहार का ही भोजन कराइए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।